रो देख सकते नहीं, एसडीएम महाराजगंज अभी लगातार कहल जा सकता है कि लगातार प्रशासन बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त। अभी हमने के सामने से देखते हैं जो गाड़ी गुजरत है वो एसडीएम महाराजगंज, ओकरा बाद के सदर एसडीपीओ फिरोज आलम जी, लगातार एकदम एसडीपीओ महाराजगंज, मतलब कहल जा सकता तो प्रशासन बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिल भैया। दरौली प्रखंड मुख्यालय के आसपास के एरिया के 4 किलोमीटर के एरिया के हर एक गाड़ी के चेक इन कर जाता, हर एक गाड़ी के जाँच कर जाता, हर एक गाड़ी के लौटाओ जाता, जौना वजह से खासतौर पर कोनो दिक्कत ना हो, कोनो परेशानी ना हो, कोनो ऐसा विवाद ना हो, जौना के लेके प्रशासन बिल्कुल तुस्त तंदुरुस्त। धारा 144 लगला के वजह से 4 आदमी एक इकट्ठा रुपये नहीं हो सकत, जौना के पालन करते हुए प्रशासन बिल्कुल अपना काम में चुस्त आ तंदुरुस्त। देख सको तो नहीं 144 लगला के वजह से अब देखिए 144 लगला से नेताजी लोग के कितना दिक्कत बा, आम आदमी के कितना दिक्कत बा। ये आम आदमी हमन जो वही नेताजी लोग जीतेले बा लेकिन नहीं चमकावे खातिर वहाँ लोग के वजह से 144 तो लग गई बा, लेकिन ये आम आदमी कहीं जाता कहाँ जाता नहीं लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल दरौली हाई स्कूल। अच्छा हाई स्कूल जाता नहीं लोग, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। स्कूल का तो समय भी लगभग निकल रहा है, 10 बज गया है जी। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं सुबह आना है, दूसरी तरफ नेताजी लोग रोक के के पाठक आप लोग को परेशान किए हुए हैं, दूसरा तरफ ये लोग लेट हो रहे हैं स्कूल। सर जाए दिन लोग स्कूल है, टीचर है लोग जाना चले क्या कहते हैं सर? देखिए बड़ी पदाधिकारी के आदेश बा कि रउआ नहीं जा सकत, खैर अधिकारी या पदाधिकारी के क्या भगवान आदेश दिया कामे बा, पैदल चले जाइए मैडम, मैडम तो पीछे से रास्ता है उसको पकड़ लीजिए आप लोग, हम लोग को बाएं और 20 मिनट आगे जाना है। किस स्कूल में पढ़ाती हैं? दरौली हाई स्कूल। तो दरौली हाई स्कूल अंदर वाला जो तो पीछे से जाइए ना, अब तो लेट हो गया है, पीछे से जाइए। देखिए नेताजी लोग कोई दिक्कत नहीं के, नेताजी आयल बानी 10 बजे आए हम अपन गिरफ्तारी देम आज जनता के समर्थन भी तोड़ के दरौली थाना में या सिवान चल जाए, लेकिन आम आदमी के कितना परेशानी होला एक स्थिति रुपये देख ली। मैच बॉक्स हमेशा हटके अलग देख ले बा, राजवा हमेशा हटके अलग काम करे के चाहेला, हमेशा हम हटके रुपये देखा नहीं अलग एंगल से वीडियो देखा नहीं, लेकिन देख ली कि अगर राजनीति के अपन राजनीति चमकावे के चक्कर में आम आदमी के कितना परेशानी होता, ओकर जितना जगह उदाहरण ही गाड़ी बा। यहाँ लोग सर हैं तो यहाँ लोग मजबूरी बाकी बड़ी अधिकारी के बात माने के बाद तो यहाँ लोग तो जाए ना देम। दूसरा चीज कि के पाठक टाइम से आवे के कहले बारन तो यहाँ लोग जाए कहा तो के पाठक के बात फरमान माने खातिर यहाँ लोग टाइम से आई बनी और टाइम से घूम के वहाँ आए, यानी कहीं ना कहीं नेता आ नेता के चक्कर में आम आदमी पिसाता। चली हमनी के कहा बा वोट दी लोग करी लोग, लेकिन देख ली क्या स्थिति बा आज दरौली के। बनो मैच बॉक्स देखा था मैच बॉक्स 3 से 6 तो देखिए पता चलता कि संभवतः कोनो मीटिंग चलता दोनों में, तो ये अभी ये जा संभवतः विधायक जी रहे नहीं, अब एक आगे हम चलता नहीं आगे देखा होता नहीं कि कैसे कहा बा, संभवतः कहाँ कैसे बैठक चलता कहाँ कैसे तैयारी बा, लेकिन लगातार प्रशासन अपना काम में चुस्त तंदुरुस्त। पुलिस कप्तान गाड़ी में नहीं एकदम 144 बा जा 44 वाला लोकेशन है, संभवतः देखते नहीं रुपये स्पष्ट वीडियो में 44 वाला लोकेशन है। देखिए लगातार प्रशासन बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, बिल्कुल लगातार एकदम छावनी में तब्दील किले के बाद लगातार ये कल जाता फ्लैग मार्च कॉल जा सकते करके छोटा स्तर पर, लेकिन लगातार कल जाता। देखिए स्पष्ट वीडियो में देखिए प्रशासन की गाड़ी जाती है, भाई जाओ करो
अरे वो यार बिगड़ के बहुत भाई है, लेकिन इस पॉइंट पर हमारा जेन्युइन फुल टाइम काम है। बिहार के 50 आगे है तो उसके नीचे भाई रे जो स्कूल है जी आप निश्चिंत रहिए कि हम लोग एकदम आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बल्कि वो हमारा हम अपना फोर्स पचास आदमी हाथ भी नहीं उठाएगा, 50 नौजवानों का हाथ में हाथ। देखिए एक बात जो हम लोग कहते हैं वही हमारे हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको शो कॉज पटना से होगा जी, बस हटवाइए कहाँ गए। देखिए प्रखंड कैंपस पर बिल्कुल मुस्तैद बिहार पुलिस, देखिए दो कदम आप पीछे ही रहिए, अरे रोड पे नहीं पीछे जाओ, दरौली के मुख्य गेट हो आ प्रशासन का जा खच एकदम माने कॉल जाते पीछे तक जहाँ तक मुझे ज्यादा खाली प्रशासन प्रशासन दिखता, और जहाँ तक नजर डाले मुझे खाली प्रशासन दिखता, प्रशासन जहाँ तक दिखता मुझे तक प्रशासन ही प्रशासन। देख ली विधायक जी एकदम शांतिपूर्ण तरीका से साइड के विधायक जी सुल्तानी दोन के मस्जिद कुशवाहा जी हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीका से आगरा के सफल तरीके से नेताजी एकदम शांतिप्रिय तरीका से प्रयास बा कि शांतिप्रिय तरीका से कोनो भी काम हो तो देख सको नहीं रोजी रोजगार चाहिए जन चल के बंद कर दिया कमाई खा वाला जन ड्राइवर खा रोज जाम हो कह दिया से कितना लोग का पेट पर गई घर से खाई लोग कहाँ से लिए नेताजी का पेंशन मिल ली नहीं वो तो बटले बा उनका तो अपना जाम कर ले बड़ा अपना फायदा खाती नु। अच्छा बताई एनओसी लेके काम ना करावल जा सकत तो सरकार से आदेश ली चिट्ठी ले करा के आगे आई उनका मिल रही था अपन खुशी मंगल से कुल करते धरे तो केहू के डिस्टर्ब ना हुई, अब वे आदेश के सब जाम करवा के सबके फांसी डाले बड़ा। देखिए हो सकत लनु कि जब यहाँ के एनओसी लेके आई रहती तो एनओसी में ये प्रशासन के लोग के आवश्यकता पड़ी तो मूर्ति में हाथ लगा के उठा दी, अगर एनओसी खाली लेके रो आई रहती अगर बात कानून के दायरे में करें तो खाली कानूनी प्रक्रिया से आई रहती वही एनओसी लेके आई रहती तो अगर मूर्ति भारी रहते प्रशासन से हमने के खुल के चैलेंज बाकी प्रशासन वह मूर्ति के उठा के रख दी, लेकिन रउआ तो अपन राजनीति चमकावे के बाद कहे ना 2021 में मूर्ति लागल कहे ना 22 में लागल कहे ना 23 में लागल 24 में ऐसा लगता कि चुनावी वर्ष आवता 24-25-26 लगातार चुनावी वर्ष बा तो चुनावी वर्ष के मद्देनजर रखते हुए सारा राजनीति के रोटी सेकल जाता है। आई राजनीति के रोटी सेके में आम आदमी के ही परेशानी बा, नेताजी लोग क्या बा पेंशन आवता जो हाली जीती लो तो हाली पेंशन आई फोन के पैसा आवता पीए के पैसा आवता मैंने पीए मैंने पर्सनल एडवाइजर सब पैसा आवता, लेकिन परेशान के होता हम आ रहुआ हम कहे परेशान जानी कि हम वोट दिले बनी
रोवा यहाँ परेशान बनी कि चाचा भैया भाभी के झंडा ढोले बनी तो परेशान झंडा ढोए वाला ही होलन उ नेता करिया गाड़ी से अहन आ 10 मिनट बाद देखे मैच बॉक्स पहले ही कहता कि आधा घंटे बाद नेता जो है अरेस्टिंग देकर थाना में चल जइन सारा काम खत्म सुबह से जो प्रशासन के जो भेड़िए साल मिल जाए प्रशासन लागल बा सारा काम खत्म तो कहीं ना कहीं अपन नीच चमकावे के चक्कर में जनता के परेशान करके अगर केहू के काम बा तो भारत के हर नेता करते रहन चाहे भाजपाई होगा चाहे जदयू होगा चाहे राजद होगा चाहे कांग्रेस होगा चाहे माले होगा सारा नेता आम आदमी के ठगे के प्रयास करते रहन बना मैच बॉक्स के साथ।